हजूर महाराज बच्चियां बुढ़िया जवाना अमीरां गरीबां तंदरुस्त बीमारां रूपवंतां करूपां गुणवंतां अते अणहारियां पुन्या अते पापां सब नूं इको ही प्रेम भरी दृष्टि दे नाल वेखदे सन। दुध पींदे बालक तो लैके बिरद तक हर कोई ये समझदा सी कि हजूर मेरा है। छोटे छोटे बच्चे हजूर दे चरणा नाल लिपट के उन्ने ही प्रसन्न हुंदे सन जिन्ने सियाणे अते बिरद। उन्हां दे मुखारबिंद तों किसी भी गुंझलदार समस्या की व्याख्या सुन के हजूर महाराज जी का चेहरा इन्ना कोमल सी कि वह किसी का भी दुख नहीं सी वेख सकते। बिपता विच फसे किसी दुखीए दे आउंदियां ही उहदे सारे खोटे कर्मां दा भार आप चुक लैंदे, पर इस गल नूं कदे जाहर ना होण दिंदे। जे कोई चर्चा करदा तां रोक दिंदे। गुर रूप सुहावन अति लगे घट पान उजार। एक हड बीती दसदा हाँ, जून का महीना सी सन 1911 या 12 विच कोई छुट्टी का दिन सी। मैं हजूर के दर्शन करने वास्ते डेरे आया ते दोपहर दे 1:30-2 बजे के करीब इत्थे पुजा। उस वेले सब लोग खाना खा के घरों घरी वड़े हुए सन, जुत्ती कोट ते पगड़ी ला के रख दित्ती। मैं बारांदरी दे विच एक छोटी जिही सफ विछा के लेट गया, सिर हेठां एक इट रख ली। ये बारांदरी हजूर महाराज जी दे निवास स्थान दे नाल लगदी सी। उहदे तीन होर वड्डे वड्डे दरवाजे सन ते थले पक्कियां इट्टां दा फर्श लगा होया सी। उस वेले दोवें सत्संगी घर बारांदरी दे चुबारियां तो बिना सत्संगियां दे रहण वास्ते होर कोई जगह नहीं सी। हजूर दुपहर वेले उपर वाली बारांदरी ते चढ़दे पासे वाले कमरे विच आराम करन वास्ते चले जांदे सन। हजूर 18 साल पहाड़ी विच रह के आए सन ते मैदान दी सख्त गर्मी विच डेरे रहण दा ये पहला साल सी। मैं बारांदरी विच लेट गया पर ना चैन सी ते ना ही नींद। हेठों फर्श तप रहा सी ते उत्तों अग वर रही सी। बारांदरी दे दरवाज़ियां विच लू शां शां कर रही सी ते बारांदरी पट्ठी बनी हुई सी। मेरा शरीर पुज रहा सी, अखां सड़ रही सन अते प्यास नाल बुल सुक रहे सन। मैं अखां बंद करके प्या होया सां कि वेखदा हाँ कि हजूर कड़क दी धुप दे विच चुबारे तो उतर के मेरे सराणे आ के खड़े हो गए। मैं अब्बड़ वहा उठ बैठा। हजूर ने पूछया, तुसी इत्थे लूं विच क्यों पए हो, छेती उठो। अचानक सतगुर दे दर्शन होण दी खुशी दे नाल नाल मैं अति हैरान भी सां कि मेरे इत्थे लेटण दा पता हजूर नूं उपर अपने बंद कमरे विच किवें लग गया। मैं अणजाणी तेरा नेहूं की जाना, लावण दा नहीं। मैं इन्हां विचारां विच ही पिया होया सां कि हजूर ने भाई बंता सिंह नूं आवाज़ दे के बुलाया ते मेरे वास्ते मंजा मंगवाया। हजूर दे महलां दे पिछे एक कच्ची कोठड़ी सी जिसका बूहा बारांदरी वल खुलदा सी। महाराज जी ने उहदे विच पाणी छिड़का के मंजा बिछाया। भाई बंता सिंह ने उहदे उत्ते दरी खेस बिछाया ते सिराणा रख दिता। फिर हजूर ने बंता सिंह नूं हुक्म दिता कि उत्तों हजूर दे चवारे विचों सुराही दा ठंडा पानी लिया के मैनू पिलाए ते एक छोटी सुराही विच पानी लिया के मेरे कोल रख दिता है। हजूर दे मोहने दर्शन अते प्रेम भरे
मनोहर बचना नाल मेरा तन मन शांत हो गया। अखां विच शुकराने दे हंजू वग रहे सन। अपने जानी जान ते अंतरजामी प्यारे सतगुर की सेवा दे विच अर्पण करन वास्ते मेरे पास होर की सी। हिरदे विचों हूक उठ रही सी कि हाए इस फुल वर्गे कोमल ते सोहणे शरीर नूं मेरे पापां वास्ते एडी सख्त गर्मी विच लू नाल तपदी दुपहर इन्ना कष्ट उठाउणा पिया। अज भी जद हजूर दी दया मेहर प्रेम प्यार ते बख्शिशां दीआं गल्लां चेते आउंदीआं हन तां मन भर आउंदा है। सबर दा बन टुट जांदा है ते हंजू वग तुरदे हन। फुल वर्गे कोमल ते सोहणे शरीर नूं मेरे पापां वास्ते एडी सख्त गर्मी विच लू नाल तपदी दुपहर इन्ना कष्ट उठाउणा पिया। अज भी जद हजूर दी दया मेहर प्रेम प्यार ते बख्शिशां दीआं गल्लां चेते आउंदीआं हन तां मन भर आउंदा है। सबर दा बन टुट जांदा है ते हंजू वग तुरदे हन।